नो डाउट दयामणि बारला एक ब्रांड है, आदिवासी समुदाय में इनकी जबरदस्त पकड़ है क्योंकि इस समाज के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। सबसे पहले आज सहयोगी चितरंजन ने दयामणि बारला से खास बातचीत की है, कब? जब वो कांग्रेस में शामिल हो गई उसके बाद। क्या बातचीत हुई, क्या कहा है दयामणि बारला ने, आपको हम सुनाते हैं। सुनाइए दयामणि बारला से खास बातचीत। झारखंड में कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गई, क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव से पहले ही संसदीय में क्लीन स्वीप हुई है। वहीं इस दौर पे जहां गीता कोड़ा पार्टी का दामन छोड़ती है तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि वर्मा जी वल्ला जी, जिनका पहचान की जरूरत नहीं, इनका खुद अपना एक पहचान है। झारखंड संघर्ष से लेकर झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी हर लड़ाई पे आपको ये तस्वीर दिखेंगी। जहां एक और कांग्रेस का दामन महिलाएं छोड़ रही, वहां आप कांग्रेस का दामन पकड़ रही। अपनी इच्छा, मैं 30 सालों से संघर्ष कर रही हूं और 30 सालों से मैं जिस मैं आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ी हूं, वो आइडियोलॉजी को मैं 30 साल से देख रही हूं और उस आइडियोलॉजी के साथ मैं केवल नहीं, हमारा समुदाय चल रहा है। तो आज समय का मांग है कि हम सामाजिक संगठन, हम लोग संघर्ष करने वाले, अगर हम एक ही आइडियोलॉजी के हैं और हम सबको मिलकर झारखंड को बनाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को बनाना चाहते हैं, तो हम लोग सामाजिक और राजनीतिक मिलन होना चाहिए। तो ये सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक मिलन का ये समागम है। कांग्रेस में इसको आप कैसे पाटेंगे, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है झारखंड के कैसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार आपकी लड़ाई लंबी रही, ऐसे में कांग्रेस में उन विषयों को कैसे आप उठाएंगे? उन विषयों को लेकर ही तो गीता कोड़ा ने पार्टी का दामन छोड़ा, चाहे स्थानीय नीति की बात हो या बाकी जो मुद्दे हो। गीता कोड़ा ने क्यों छोड़ा उस पर मैं कोई कहने नहीं जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं और हमारा मानना है हर जाति और धर्म इसी धरती पर है, हर राजनीतिक पार्टी इसी धरती पर है। तो धरती बचाने की लड़ाई राजनीतिक पार्टी को भी वो लड़ेगा। और मैंने अपना कई घटनाएं मैं कांग्रेस के समय में लड़ते लड़ते मैंने अनुभव किया है कि कांग्रेस में जो स्पेस है वो स्पेस हमारे आने के बाद भी देगा लोगों को। झारखंड है और भारत का संविधान की बात कांग्रेस भी करती है, तो भारत का संविधान में जो स्पेस है उस स्पेस में बोलने का अधिकार होगा ही होगा। भारत के संविधान के साथ झारखंड का, जो झारखंड फिफ्थ शेड्यूल स्टेट है उसको अलग से कई चीजें मिली हुई, तो ऐसे में झारखंड में उन विषयों को लेकर आप जिस पार्टी में ज्वाइन किए हैं उस पार्टी में आप कैसे उन विषयों को उठाएंगे, क्योंकि आपकी जो लड़ाई रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं, जल जंगल जमीन की आपने बात की, तो उन विषयों को आप कैसे लड़ेंगे? मैं जिस तरह से पहले बोलते आई हूँ, आजादी मिलेगी कांग्रेस में, आजादी समय आएगा, वक्त आएगा। अभी मैं पहले काहेले बोलने जाऊंगी कि देगा कि नहीं देगा, कि हम कांग्रेस के किस साथ ऐसा लड़ेंगे, समय बताएगा ना। आपको भी इंतजार करना है, मुझको भी इंतजार करना है। लोकसभा चुनाव में आप कैसे देखती हैं कि लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा आपका नाम, आपका चेहरा, आपका संघर्ष कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा? देखिए, कांग्रेस पहले से ही लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष करते आ रहा है और कांग्रेस पार्टी का अपना क्या बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी को हर व्यक्ति जानता है, ठीक है ना। गांव के लोग कांग्रेस पर बिलीव करते हैं, अल्पसंख्यक भी बिलीव करता है। ऐसे परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ही कांग्रेस बहुत मजबूत होगा। कांग्रेस तो बहुत पुराना पार्टी है और बहुत पहले से वो देश में खड़ा है। तो राहुल गांधी, सुनिए राहुल गांधी, राहुल स्थिति आप जैसा चश्मा लगाएंगे ना वैसा दिखता है। हम लोग चश्मा लगा के देखते हैं, हम लोग आदिवासी या चश्मा लगा के देखते हैं, किसानों के दृष्टिकोण से चश्मा लगा के देखते हैं, संघर्ष के दृष्टिकोण से चश्मा हम लोगों का लगा हुआ है, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत देखते हैं। लोकतंत्र पर जो पार्टी खड़ा है, लोकतंत्र की बुनियाद पर जो पार्टी खड़ा है, जो सभी जाति और धर्म की बात करता है, संरक्षण की बात करता है, उससे मजबूत पार्टी क्या हो सकता है, आप हमको बताइए।
दयामणि वर्मा जी को वर्ला जी को यह विश्वास है कि झारखंड में जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस में इनको जगह मिलेगी, कांग्रेस में मुखर होकर अपने विषयों को रख सकते। वहीं कांग्रेस को ये उम्मीद है कि गीता कोड़ा के पार्टी छोड़ने का जो दाग लगा है वो इनकी भरपाई इनके थ्रू पार्टी कर सकती है। सहयोगी पिंटू के साथ चित्ररंजन कुमार, टीवी 45 रांची। दयामणि बारला से खास बातचीत कर रहे थे चित्ररंजन। अब दयामणि बारला को क्यों लाया गया ये बताएंगे प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर। गुलाम मीर से भी खास बातचीत की है चित्ररंजन ने, एक बार उस बातचीत को भी सुना दे, फिर एक बार इसका एनालिसिस छोटा सा हम कर लेते हैं। गुलाम मीर से खास बातचीत चित्ररंजन की, पीसीआर एक बार प्लीज इसको प्ले करें। कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड दौरे पर है। झारखंड की राजनीति में कांग्रेस इन दिनों काफी सुर्खियों में, कांग्रेस जो है क्लीन स्वीप झारखंड में सांसद के तौर पे एक जो एकमात्र महिला सांसद थी, एकमात्र सांसद थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अभी तो सारी पार्टियों का क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं, अगले 10 दिन में नए सांसद चुने जाएंगे, उसमें आप देखेंगे झारखंड से सबसे बड़ी तादाद में कांग्रेस के सांसद नए आएंगे, जुझारू आएंगे, कमिटेड आएंगे, लोगों के सेवा करने वाले लोग आएंगे। झारखंड में नाराजगी भी विधायकों के, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्षों की नाराजगी भी देखने को मिली थी, तो उसको कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड दौरे पर है। झारखंड की राजनीति में कांग्रेस इन दिनों काफी सुर्खियों में, कांग्रेस जो है क्लीन स्वीप झारखंड में सांसद के तौर पे एक जो एकमात्र महिला सांसद थी, एकमात्र सांसद थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अभी तो सारी पार्टियों का क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं, अगले 10 दिन में नए सांसद चुने जाएंगे, उसमें आप देखेंगे झारखंड से सबसे बड़ी तादाद में कांग्रेस के सांसद नए आएंगे, जुझारू आएंगे, कमिटेड आएंगे, लोगों के सेवा करने वाले लोग आएंगे। झारखंड में नाराजगी भी विधायकों के, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्षों की नाराजगी भी देखने को मिली थी, तो उसको आउटसाइड बातें हैं। मैंने आपको कल भी बता दिया कि हमारे लेजिस्लेटर, देखो हमारी पार्टी में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है इनर पार्टी डेमोक्रेसी, यहाँ लोग अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी पार्टियों में तो इजाजत ही नहीं बात रखने का, कोई छोटी मोटी बात हो तो। इसलिए आज आपने देखा कल शाम से सारे वर्किंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इंचार्जेस है, खूबसूरत तरीके से हमारी अपने अगले मिशन को तैयारी के लिए सबने कंट्रीब्यूट किया, और मुझे खुशी है कि सब मिल करके आगे फील्ड में जाएंगे। आपको है कि 2024 के चुनाव में पार्टी के विधायक नेता सब एकजुटता के साथ कार्यकर्ताओं से एकदम ऐसी क्या ग्रीवांसेस रहे कि गीता कोड़ा की जो नाराजगी वो पार्टी दूर नहीं कर। आपको मेरे से ज्यादा पता है। तो ये गुलाम अहमद मीर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी झारखंड दौरे पर आए हैं और लगातार विधायकों और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर, हालांकि इनके इस दौरे के बीच झारखंड में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने पार्टी का दामन थामा है, और देखना होगा कि जहां एक और महिला सांसद पार्टी छोड़ती है तो वहीं एक महिला नेत्री के पार्टी में शामिल होने से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पर क्या कुछ अंतर दिखता है। सहयोगी पिंटू के साथ चित्ररंजन कुमार, टीवी 45 रांची। चित्ररंजन मेरे साथ है, सहयोगी चित्ररंजन। दयामणि बारला इज इक्वल टू गीता कोड़ा, लेस देन गीता कोड़ा या ग्रेटर देन गीता कोड़ा? लेस देन गीता कोड़ा। ऐसा इसलिए कि गीता कोड़ा एक सांसद थी, ये 2014 में भी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है खूंटी से दयामणि बारला, लेकिन क्या उन्होंने लोकसभा चुनाव ना ही जीता ना ही किसी को हरा पाए, लेकिन चुनाव लड़ने के दो तीन कारण होता, एक लड़ने के लिए लड़ना, एक जीतने के लिए लड़ना और एक हराने के लिए लड़ना, तो ये लड़ने के लिए लड़ गई थी। अब दयामणि बारला का नो डाउट कि झारखंड के मुद्दों को वो बखूबी बहुत स्ट्रांगली पॉइंट से उठाती है और जन समर्थन इनका है, लेकिन उस जन समर्थन को कभी भी मतों पे कन्वर्ट ये नहीं कर पाएंगी, इसलिए ऐसा हमने कहा, क्योंकि इनके साथ जो जन समर्थन चलता है वो पहले से कोर वोटर है जेएमएम के या कांग्रेस के, तो ऐसे में वो तो ऐसे में बीजेपी के जो वोटर्स वो कन्वर्ट होंगे नहीं, तो पहले से वोटर्स उनको वोट करते आ रहे हैं, तो दयामणि बारला क्या है कि कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अपने समर्थकों का मतों पे कन्वर्ट कर पाए। चुनाव जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अपने समर्थकों का आप सबसे जो मत है उसको मत में कन्वर्ट आप कर पाते। एक उदाहरण है, होता क्या है भारत की राजनीति में मत कैसे होता है,
रघुवर दास मुख्यमंत्री थे 2019 लोकसभा चुनाव में राजधानी रांची से सटा कांके क्षेत्र में प्रचार के लिए गए थे। वहां के लोगों ने नारा दिया था कि रघुवर तेरी खैर नहीं, वोट तो तुझसे बैर नहीं, वोट तो मोदी के देंगे लेकिन रघुवर का विरोध करेंगे। तो उसी प्रकार गीता कोड़ा क्या है कि पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में उनका पकड़ मजबूत, उनका अपना पकड़ है मजबूत, किसी पार्टी का नहीं। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा का अपना वोट बैंक है। वो जिस ओर जाएंगे उनका वोटर उसी ओर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां के लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया है। बतौर मुख्यमंत्री जब थे मधु कोड़ा तो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने किया, इसलिए उनका वोट कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दयामणि बारला क्या है कि जनहित के मुद्दों को उठाती है लेकिन जिनके लिए मुद्दे उठाती उनको मतों पे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण कांग्रेस में गीता कोड़ा का भरपाई नहीं कर पाएंगी। तो क्या लगता है, मतलब चूंकि गुलाम मीर से आपकी बात हुई, गुलाम मीर से जब आपने कहा कि भाई नाराजगी क्या थी, तो बोले कि आप बेहतर जानते हैं कि नाराजगी। बिल्कुल, देखिए नाराजगी जग जाहिर है कांग्रेस की, क्योंकि चारों मंत्रियों को लेकर नाराजगी थी। नाराजगी इसलिए थी कि विधायक जब सीओ को फोन करते हैं तो सीओ उनके कॉल्स का जवाब नहीं देते, अटेंड नहीं करते। विधानसभा में ही एक विधायक ने कहा कि झारखंड की स्थिति इतनी खराब हो गई है, विधायकों और मंत्रियों ने इतनी खराब कर दी, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था। मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा किस विधायक, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक है, उन्होंने कहा कि जब मंत्री साहब साहब करके उनसे बात करेंगे अधिकारी से, तो अधिकारी सर चढ़ के बोलेंगे ही। अधिकारी को जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपका काम क्या, आप क्या है, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, उसको हिंदी में अगर कन्वर्ट कीजिएगा जनता का सेवक, और विधायक क्या होता है, उस सेवक का वो जनप्रतिनिधियों का वो मुखौटा है कि जनप्रतिनिधि की बात को उस सेवक तक तो पहुंचाएंगे, और सेवक का काम है उसके लिए काम करना। लेकिन झारखंड में ये स्थिति तो उल्टी है, जनसेवक जनमालिक बन के बैठे हुए हैं। ये एक विधायक की भाषा, ये मेरी भाषा नहीं, एक विधायक ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि यहाँ के मंत्री सीओ और थानेदार लोग को साहेब साहेब करके प्रबोधन करते, तो ऐसे में वो विधायकों को क्यों सुनेंगे जब उनको मंत्री ही सर सर बोल रहे हैं, जबकि वो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। जब पब्लिक सर्वेंट को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सर बोलेंगे तो जनता की क्यों सुनेंगे वो पब्लिक सर्वेंट, जो अधिकारी है वो क्यों सुनेंगे। एक सवाल और है चित्रंजन, मुझे किसी ने कहा है कि चार सीटें बीजेपी की तरफ से लोकसभा के लिए कंफर्म है कि इनको तो टिकट मिलना ही मिलना, एक निशिकांत दुबे, एक पश्चिमी सिंहभूम से गीता कोड़ा, एक चतरा से है सुनील सिंह, कह रहा जा रहा है कि उनका भी टिकट लगभग कंफर्म है, पता नहीं उनकी लॉबिंग इतनी मजबूत है, जो भी है ये तीसरे हो गए, और एक और नाम बताया मेरे को वो नाम शायद ध्यान नहीं है। बहरहाल तो गीता कोड़ा का बीजेपी, चूंकि बीजेपी के पास वहां कोई बहुत बड़ा चेहरा है भी, तो क्या लगता है दयामणि बारला ऑप्शन गीता कोड़ा का सिंहभूम? नहीं, सिंहभूम में अब जब गीता कोड़ा कांग्रेस जाने से अब उसमें दावेदारी जो है जेएमएम की हो गई, तो कांग्रेस वहां दावेदारी अब कमजोर हो गई। हाँ, वो सीट की भरपाई जेएमएम दूसरे जगह से देकर भले कर ले, लेकिन चाईबासा सिंहभूम की जो सीट है उस पर अब जेएमएम की दावेदारी, और इस बात का जिक्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी इशारों में कहा है कि गीता कोड़ा के जाने से कांग्रेस को फायदा ही हुआ है। आखिर चले जाने के बाद सभी ऐसे बोलते, लेकिन फायदा इसलिए हुआ कि वहां पे जो सीट को लेकर जो गठबंधन में जो टकराहट थी वो खत्म हो गई। और दूसरी बात, आपने कहा कि बीजेपी में जो नेताओं के सीट कंफर्म हो गए, तो राष्ट्रीय पार्टी में जब तक आपको सिंबल नहीं मिल जाता तब तक आपकी सीट कंफर्म नहीं होती, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और बीजेपी में तो कभी नहीं, मध्य प्रदेश में सभी बोल रहे थे चौहान साहब फिर से मुख्यमंत्री बने क्या, तो बीजेपी में जब तक फाइनलाइज मोदी और शाह नहीं करते तब तक किसी की फाइनल नहीं, फाइनल सिर्फ दो लोगों का है, मोदी शाह और तीसरे गडकरी की भी सेफ सीट है। बहुत शुक्रिया चित्रंजन। चलिए तो कुल मिलाकर के देख लीजिए, दयामणि बारला कांग्रेस की हो गई, तो क्या दयामणि बारला गीता कोड़ा का ऑप्शन हो सकती है? जैसा कि चित्रंजन ने बताया कि नो डाउट दयामणि बारला के पीछे भीड़ है, लेकिन उस भीड़ को कभी भी उन्होंने वोट में कन्वर्ट नहीं करवाया और वो वोट में कन्वर्ट हुई भी नहीं है, तो इस बार क्या पश्चिमी सिंहभूम से या फिर खूंटी से दयामणि बारला कांग्रेस के प्रत्याशी की तर्ज पर नजर आ सकती है, ये देखना होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं खबरों को नए एंगल से देखने का, नए नजरिए से देखने का हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए TV45 के साथ बने रहें, और मुझे इजाजत दीजिए।